कश्मीर के जिला शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज शनिवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ समाप्त हो गई है। लगातार दूसरे दिन भी बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने शोपिया के गांव असमीपुरा में छिपे चारों आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने चारों आतंकवादियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया है। पिछले 24 घंटों के भीतर घाटी में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। गत शुक्रवार को कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में 7 लाख का इनामी जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी कमांडर वलीद भी शामिल था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विश्वसनीय सूत्रों से जब उन्हें यह जानकारी मिली कि असमीपुरा में कुछ आतंकवादी देखे गए हैं तो पुलिस की एसओजी सेना की 62 आरआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करते हुए तड़के सर्च ऑपरेशन चलाया। अपने आप को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने इसे अनसुना करते हुए गोलीबारी जारी रखी।